उपलब्ध कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। किसान को खाद उपलब्ध कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। किसान को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। किसान को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। किसान विरोधी सरकार हो उसमें। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यव्यापी आंदोलन के तहत जगह जगह रेल चक्का जाम कर प्रदर्शन किया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, एमएसपी की गारंटी समेत अन्य मुद्दों को लेकर कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन की अगुवाई कर रहे पूर्व सांसद पप्पू यादव पटना सचिवालय हाट पर भागलपुर जा रही ट्रेन के आगे खड़े हो गए। इस दौरान उन्होंने कोरोना को लेकर सरकार पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि ये कोरोना रात में ही क्यों फैलता है। ट्रेन रुकने के बाद पप्पू यादव व समर्थक उसके सामने खड़े हो गए। नारेबाजी करते हुए समर्थक ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए। पुलिस ने इस दौरान उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं हटे। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से वार्ड सचिवों की नौकरी ख़त्म की जा रही है, किसानों की दुर्गति है, खाद के लिए किसान दर दर भटक रहे हैं, उन्हें पीटा जा रहा है। लालू यादव ने कहा था कि हमारे लाश पर बिहार बंटेगा। भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने राज्य को बांट दिया, इसलिए अब आर पार की लड़ाई होगी। दोनों भाई कभी जाति जनगणना का खेल करेंगे। विपक्ष बिहार सरकार और बिहार का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसे न विशेष राज्य चाहिए और ना ही जातीय जनगणना। ये तमाम बातें पप्पू यादव ने कही है। और उन्होंने यह भी कहा कि यह लड़ाई जन अधिकार पार्टी की है और जाप सुप्रीमो ने कोरोना पर बकवास की बात कही है। उन्होंने कहा कि चुनाव और रैली में कोरोना नहीं है, दिन में कोरोना नहीं है, रात में कोरोना आ जाता है। कोरोना से मृतक का जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता, उसे कोरोना से मौत नहीं मानेंगे। जांच का मानक क्यों बढ़ा दिया गया? पहले 28 से 24, अब 34 से 38 कर दिया गया। अब कोरोना होने पर ट्वीट करते हैं, एड्स होने पर क्या ये ट्वीट करेंगे? बुखार, खांसी, सर्दी की स्थिति में वे जांच की सलाह नहीं देंगे। जांच के लिए लोग 1,00,000 बार बहुत सोचें। इधर पटना में दीदारगंज रेलवे हॉल्ट के समीप कुछ देर के लिए रेल का परिचालन रोक दिया गया। और इस दौरान डाउन में पूर्वा एक्सप्रेस और अप में राजगीर दानापुर पैसेंजर ट्रेन का परिचालन कुछ देर के लिए बाधित भी हुआ। मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे जाप कार्यकर्ताओं में से किसी ने मास्क नहीं पहन रखा था, न ही शारीरिक दूरी का उन्होंने पालन किया था। रेलवे थाना पटना साहिब के अध्यक्ष योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि कार्यकर्ताओं को समझा बुझा कर रेलवे ट्रैक को खाली करा दिया है, हटाकर परिचालन सामान्य किया जा रहा है। और तमाम बातें जो हैं, चूँकि अभी लगातार जब देखें कि पटना में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और पप्पू यादव लगातार सरकार पर हमलावर है, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, वार्ड सचिवों का मुद्दा हो या कोरोना से मौत की मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर सरकार की घेरने की कोशिश है। और आज उन्होंने अपने समर्थकों के साथ रेलवे के ट्रैक को भी जाम किया और रेल को भी रोक डाला। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ। नमस्कार।